हेलो एवरीवन, आज हम लोग टीएससीपी को पढ़ेंगे कि ये आरएचईएल 8 में कैसे कॉन्फ़िगर होता है। तो इट स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके जी, तो इसका ये काम होता है कि अगर आप एक ऑफिस में हैं, ऑफिस में अगर आपके 1000 अगर आपके पीसीज हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये सब एक आपके नेटवर्क में आ जाए, तब उस केस में हर एक में आईपी एड्रेस असाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब इस काम को अगर आप मैन्युअली करते हो तो इट टेक सो मच टाइम। तब उस केस में हमारे डीएससीपी का ही काम होता है, इसका ये काम होता है कि डीएससीपी सर्वर से क्लाइंट को आईपी एड्रेस अपने आप से प्रोवाइड करना। ओके, तो इसमें हमारा आईपी एड्रेस भी अपने आप से हो जाता है, सबनेट मास्क भी इसी से ही हो जाता है, और आपका डीएनएस होता है हमारा, और जो हमारा गेटवे होता है वो भी इसी से ही असाइन होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है? तो आई हैव टू वीएम, देखिए एक है सेंटोस 8 करके है और एक है इसका सेंटोस क्लाइंट। ओके जी, मैं अपने सर्वर के ऊपर आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि क्या इसमें टीएससीपी का पैकेज इसमें इंस्टॉल्ड है, तो वो चेक होता है आरपीएम स्पेस हाइफन क्यू और डीएससीपी। ठीक है जी, तो इसमें अभी हमारा नहीं इंस्टॉल्ड है, तो अभी इसमें हमारा यम है ही, तो हम सिंपल आ जाते हैं यम इंस्टॉल और डीएचसीपी। ओके, और स्पेस हाइफन वाई और ये अभी हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये हमारा इंस्टॉल्ड हो गया, तो मैं आ जाता हूं ऐसे। अच्छा, अब इसमें जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है वो होती है हमारी ईटीसी के अंदर, डीएससीपी के अंदर, और जो फाइल होती है dscpd.conf। तो इस फाइल में है कि एक इसकी एग्जाम्पल फाइल है, वो इस लोकेशन में हमारी सेव है। ठीक है, इसमें तो हमें क्या करना होगा, हम सिंपली आएंगे और हम आएंगे सिंपली सीपी, और ये हमारी सेव थी यूएसआर के अंदर, शेयर के अंदर। ओके, और डीएससीपी सर्वर के अंदर और dscpd.conf.example, ये जो हमारी फाइल है इसके अंदर जो भी कुछ है वो सब हमारा कॉपी हो जाए ईटीसीपी के अंदर, डीएससीपी के अंदर और dscpd.conf के अंदर। ओके, तो ये अभी इसमें हो गया होगा। अब अगर मैं इस फाइल को अगेन ओपन करता हूं तो इसके अंदर बहुत कुछ आपका आया हुआ है। तो अच्छा, अब एक चीज और कि ये जो है इसमें हमारा जो आईपी एड्रेस है, जो आपका सर्वर होता है ना, उसमें ना आपको स्टैटिक, इट मीन आपको मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन करना इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें जो हमारा आईपी एड्रेस है वो हमने इसमें असाइन है। ओके जी, तो हम सिंपली आ जाते हैं। ओके, तो मैं आ जाता हूँ इसमें आउटसाइड पर, और अब मैं अपनी फाइल को अगेन करता हूँ ओपन। तो ये जब हमारी फाइल ओपन हो जाएगी, तो अगर मैं इस पर ऐसे आता हूँ सेट एन यू, मतलब कि सेट नंबर। ओके, तो इसमें आपको जो आना है वो आपको 47 से ही आपको आना है। ओके, तो इसमें जो है वो ये है कि जो आपका आईपी एड्रेस है उसकी रेंज क्या है। तो हमने कहा जी वो हमारा, मैंने किया था इसमें आई प्रेस, और इसमें जो हमारा आईपी एड्रेस था वो है 10.0.0.0, इट मीन कि फुल नेटवर्क क्या है और इसका सबनेट क्या है। तो हम सिंपली आ जाते हैं, जो हमारा क्लास ए का था हमने असाइन इसमें था। ओके, अब जो आईपी एड्रेस का जो आपकी रेंज होगी वो आपकी क्या हो, इट मीन कि कहां से कहां तक आईपी एड्रेस आपके डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमने कहा जी कि आपका आईपी एड्रेस स्टार्ट हो 10.0.0.10 से, और ये और इसका एंड हो 10.0.50 तक। ओके जी, अब इसमें ये है कि अगर आपका कोई डीएनएस है तो इसकी एंट्री इसमें हो जाएगी, तो वो तो अभी हमारा है नहीं, तो इसे अभी हमने चेंज किया एज अ कमेंट। ओके, इसको भी हमने सेम कमेंट में चेंज किया, राउटर अभी हमारा इसमें है नहीं, तो सेम हमारा ये भी हो गया और इसको भी हमने सेम किया। ओके, तो फिर ये हमारी इतनी एंट्री हो गई, और इसको हमने किया आकर सेव एंड एग्जिट, और इसकी सर्विस को हमें करना होगा
रीस्टार्ट तो हमने कहा जी सिस्टम सीटीएल और रीस्टार्ट और डीएससीपीडी। ओके तो ये अभी हमारा हो चुका है। ओके अब इसी के साथ में हमने कहा जी फायर वॉल भी हमारी स्टॉप हो जाए, तो हमने कहा जी सिस्टम सीटीएल स्टॉप और फायर वॉल डी। ओके तो ये भी हमारा स्टॉप हो गया। अब जब इतना काम हमारा इसमें हो गया है तो अब हम लोग अपने क्लाइंट के ऊपर आएंगे और इसमें बस ओनली आपको क्या करना है कि बस इसमें आकर आपको NMTU आए और इसमें क्या होता है कि इसमें बस मतलब इसी ऑप्शन पर ही आपको रहना भी है। ठीक है जी, ओनली बस आपको इसे एक्टिवेट ही करना होगा। तो हम इस पर आए और अब मैं आता हूं क्विट के ऊपर एंड इफ आई चेक इफ कॉन्फिग से तो इसको आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। ये देखिए आईपी एड्रेस इसको अपने आप से असाइन हो गया। ओके तो एक तो ये प्रैक्टिकल हमारा हो गया। अब आप चाहते हैं कि जो आपका ऑफिस है उसमें एक आपका सर्वर है, तब उस केस में जितनी टाइम ये आपका रीस्टार्ट होगा उतने टाइम ना इसमें आईपीस का चेंज होगा। ओके क्योंकि हमारा काम डीएससीपी से है ना, इसलिए तब आप चाहते हैं कि आईपी आपका डीएससीपी से ही हो बट आईपी अब आपका फिक्स हो जाए। तो अब जो हमारा अगला होगा वो है आईपी रिजर्वेशन। ओके जी तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो हमारा क्लाइंट है इसका मैक एड्रेस हमें कॉपी करना होगा। ठीक है जी तो हम आते हैं ऐसे सिंपल आके कॉपी फाइल को हमने किया के अगेन ओपन, और ये फाइल जब हमारी ओपन हो जाएगी तो हमने कहा जी SUNU और इसमें अब हमें आना है, अब आपको 76 के ऊपर आना है। ठीक है तो पहले तो उसका मैक एड्रेस को सिंपली पेस्ट किया आकर। ओके पेस्ट हो गया आकर और फिर हमने अब इसमें क्या आईपी एड्रेस असाइन हो, तो एज यू नो कि इसमें अभी आईपी एड्रेस ये आ रहा है। अब आपका आईपी एड्रेस आपके हिसाब से फिक्स हो, तो हमने कहा जी आईपी एड्रेस हमारा फिक्स हो 10 की रेंज में ऑलवेज 45, तो हमेशा अब इसको यही आईपी एड्रेस हमेशा असाइन होगा। और अगेन सेम थिंग, तो अगर अब हम इसके ऊपर अगेन आते हैं तो हमने कहा जी NMTUI एंटर सेम एक्टिवेट पर एक बार से हमें ऑफ किया जाकर और फिर एक्टिवेट। ओके जी और सिंपल आके क्विट एंड इफ आई जस्ट चेक इफ कॉन्फिग तो आईपी एड्रेस अब इसको हमेशा यही असाइन होगा। ओके तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके जी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।